यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, वक्त है 75 जिलों की 75 खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं केदारनाथ बाबा के दर से आई जबरदस्त तस्वीर, जहां पर भारी बर्फबारी के बीच में मुख्यमंत्री योगी ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सीएम योगी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे। आज सुबह 8:30 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं, और ये देखिए आप सुबह भारी बर्फबारी के बीच कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा केदार के धाम पहुंचे, उनके दर पर पहुंचे, उनके दरवाजे पर पहुंचे, नमन किया, उनको प्रणाम किया। ब्रह्म मुहूर्त में जबरदस्त बर्फबारी के बीच में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धाम पर पहुंचे थे, और इस दौरान जमकर बर्फबारी हुई है, पूरी केदार घाटी सफेद चादर से लिपट गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, उनके साथ सुरक्षा जवान कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बर्फबारी से बचाया जाए, लेकिन बर्फबारी बहुत तेज, और इसी बीच में केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे सुबह। इस तरीके से आपने बहुत कम देखा होगा, केदारनाथ के दर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों के मुखिया, उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। आज सुबह 8:30 बजे कपाट बंद हो जाएंगे। कोरोना काल में इस बार श्रद्धालु कम पहुंचे पिछले वर्षों की तुलना में, लेकिन बाद के महीनों में, आखिर के महीनों में बड़ी तादाद में पहुंचे। शुरुआत में यात्रा शुरू नहीं हो पाई, जब शुरू हुई तो रफ्तार धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, और आखिर में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों बाबा केदार के दर पर उन्हें नमन करने, उन्हें प्रणाम करने, उन्हें उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने, और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अद्भुत तस्वीरें, ये कैद हो जाने वाली, जहन में कैद हो जाने वाली तस्वीरें हैं ये। दोनों ही मुख्यमंत्री आज कपाट बंद होने वाले दिन दर्शन करने पहुंचे, कपाट बंद होने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, और जाहिर सी बात है उनके मन में होगा कि कैसे प्रदेश को और देश को कोरोना से मुक्ति मिले, इस महामारी से मुक्ति मिले, जीवन फिर से स्वस्थ हो, फिर से पटरी पर सामान्य तरीके से लौटे, ताकि लोग अगले वर्ष जब कपाट खुलें तो पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ से ही दर्शन करने पहुंच सकें। जो पीड़ा बाबा केदार के भक्तों ने इस वर्ष झेली वो उन्हें अगले वर्ष न झेलनी पड़े, ये निश्चित रूप से प्रार्थना का हिस्सा रहा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की। रोहित डिमरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, हमने देखी तस्वीरें अभी ब्रह्म मुहूर्त की सुबह सुबह तड़के बर्फबारी के बीच दर्शनों की, अभी फिलहाल क्या हो रहा है वहां पे? जैसे कि कह सकते हैं कि सुबह 3 बजे से जो है भगवान केदारनाथ कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी, और उसके बाद करीब 4 बजे जो भगवान की पूजा, विशेष पूजा अर्चना होती है, उसमें यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भाग लिया। करीब 30 मिनट तक हुए मंदिर परिसर में मौजूद हुए, सभा मंडप मौजूद हुए, और उन्हें पूजा अर्चना में विशेष रूप से प्रतिभाग भी किया, और यहाँ पे बाबा का आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे सेफ हाउस में चले गए, और अब कह सकते हैं कि धाम का नजारा है काफी बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर जोरदार बर्फबारी हो रही है, जो श्रद्धालु है बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि 8:30 बजे का मुहूर्त निकला है भगवान केदारनाथ कपाट बंद होने का, तो उस दौरान भगवान केदारनाथ कपाट बंद हो जाएंगे। उससे पहले जो लिंग है उसको समाधि दी गई है, जो डोली जो उत्सव डोली केदार धाम से निकलकर अपने शीतकाल के लिए
रवाना होती है, उस डोली को भी सजा दिया गया है, डोली के साथ जो भक्तगण है वो भी निकल गए। ये तो बात हो गई, केदारनाथ के दर्शन किए हैं मुख्यमंत्रियों ने, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर सीएम त्रिवेंद्र रावत हो, और बर्फबारी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री का बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम है, वो किस वक्त रवाना होंगे? अभी यहाँ पे जो है बर्फबारी हो रही है, करीब का जो प्रोग्राम है 7:30 बजे हुए यहाँ वीआईपी हेलीपैड है केदारनाथ मंदिर के पीछे, वहाँ से चारपति धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद रोहित आपका। आज सुबह की तस्वीरें आपने देखी, बाबा केदार के दर्शनों की दोनों मुख्यमंत्रियों के द्वारा। और आइए अब देखते हैं 75 जिलों की 75 खबरें। आगरा के थाना शाहगंज के क्षेत्र सिटी हॉस्पिटल के पास जूते के कारखाने में आग लगने की घटना सामने आई है। जूते के कारखाने में भीषण आग लग गई जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। फिरोजाबाद थाना दक्षिण क्षेत्र के गैरेज में केमिकल व्यापारी की खड़ी एसयूवी में आग लग गई, देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कार से आग की जोरदार लपटें उठने लगी और आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। मैनपुरी पुलिस ने हत्या में सहयोग करने वाले 20,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। बीती 7 जुलाई को मामूली कहासुनी में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। 2 हत्यारोपी और 3 सहयोगियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दीपावली के अगले दिन ब्रज में गोवर्धन पूजा की धूम देखी गई। कान जगाई के साथ संपन्न हुई ठाकुर द्वारिकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा। मंथुरा के विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में गाय के गोबर की प्रतिमा बनाकर भगवान गोवर्धन को विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ उनकी आरती की गई। अलीगढ़ की गौ सेवा समिति ने पंचायती गौशाला नगला मसानी में देसी गाय के 2.5 क्विंटल गोबर से गोवर्धन महाराज बनाए। इसे बनाने में 1 दर्जन महिलाओं को लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त लगा। इसमें रंग बिरंगे कलर के साथ साथ गाय के मूत्र, गोबर, दूध और अन्य कई चीजों का भी इस्तेमाल किया गया। एटा शहर कोतवाली क्षेत्र में गांधी मार्केट स्थित एक हार्डवेयर गोदाम में आग लग गई जिससे लाखों की कीमत का सामान जल गया। आग इतनी भीषण थी कि दमकल को काबू पाने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। आग का कारण पटाखे की चिंगारी माना जा रहा है। गांधी मार्केट में नवीन हार्डवेयर के नाम से यह गोदाम था। हाथरस में बारिश ने किया गोवर्धन का त्योहार फीका। जी हां, पूजन के समय पर हुई भारी बारिश से नहीं पहुंच पाए गौशाला के मंदिर भक्त पूजन करने। बेल क्षेत्र के हाथरस की गौशाला में लगभग 25 फुट के बनाए जाते हैं गोवर्धन महाराज। उत्साह पूर्वक पूरे जिले से लोग आते हैं दर्शन पूजन करने। कासगंज में 24 घंटे के अंदर अलग अलग सड़क हादसों में एक युवती समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इन हादसों में मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। हादसे में बाइक सवार कृष्णा नायक को पिकअप वाहन ने रौंदा तो दूसरा हादसा बाइक फिसल जाने से बाइक सवार गीतम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दीपावली की रात प्रयागराज में करछना थाना इलाके में युवक की हत्या कर दी गई। युवक गोवा में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। देर शाम घर से निकला था युवक और खेत में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फतेहपुर में यमुना नदी से मछली मारने को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक मजदूर को गोली लग गई। मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुट गई है। ललौली थाना क्षेत्र के पथरी आड़वल गांव की यह घटना बताई जा रही है। कौशाम्बी में पिकअप की टक्कर से साइकिल सवार घायल हो गया। हादसे के बाद अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। प्रतापगढ़ के रामपुरा पुरखास में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बाबा खुईसरनाथ धाम में आदि गंगा आरती उत्सव का शुभारंभ किया। प्रमोद तिवारी ने आरती के दीयों को जलाकर आदि गंगा उत्सव का उद्घाटन किया। आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली में तैनात दरोगा ने दीपावली की शाम अभद्रता करते हुए दुकानें बंद करा दी। इसे लेकर व्यापारी बहुत आक्रोशित होकर रविवार को सुबह अपना विरोध दर्ज कराने पहुंचे। बलिया में पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 ऐसे शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो बैंक के ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों को ही अपना निशाना बनाते थे। गिरफ्तार लुटेरों ने 2 अलग अलग बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों के संचालकों से असले के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। मऊ थाना
मधुबन के अंतर्गत ग्राम भैरोपुर में हुई हत्या के मामले में आनंद सिंह और आशीर्वाद सिंह को कटघरा शंकर के पास से गिरफ्तार कर दिया गया। बदायूं के उछानी कोतवाली इलाके के कीन्हापुर गांव में एक व्यक्ति की रिक्शा कुचल कुचल कर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बरेली में दिवाली के दिन बदमाशों ने जमकर कहर बरपाया। जिले में अलग अलग थाना इलाकों में 3 हत्याओं से दहशत फैल गई। भुता में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीलीभीत में तेज रफ्तार गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ट्रक्कर से दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। खाकी की अवैध वसूली पर व्यापारियों का हंगामा। जी हां, शाहजहांपुर में दिवाली पर पटाखे बेचने को लेकर दुकानदारों से पैसे वसूलने आए पुलिस वाले को व्यापारियों ने घेर लिया और जमकर हंगामा काटा। पुलिस दुकानदारों से पैसे मांग रही थी। बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के कैथवलिया द्वितीय गांव के सिवान में एक युवती की पुलाव के पास नग्न अवस्था में लाश मिली। परिजनों ने युवती के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताई है। शामली की सदर कोतवाली इलाके के सिटी के कलंदर शहर मोहल्ले में पुलिस की दबिश के दौरान की गई मारपीट के बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। झांसी जिले के टहरोली थाना क्षेत्र में स्थित SBI में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने बैंक से धुआं उठते देखा और आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। संत कबीर नगर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार जा भिड़ी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। लखनऊ से देवरिया जा रहे थे कार सवार। सरैया बाईपास NH 28 की घटना। सिद्धार्थनगर में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। कोरोना के नए 16 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वहीं जिले में अब तक कुल मरीजों की संख्या 3,848 हो गई है। बांदा के नगर कुदवाली इलाके के बलखंडी नाका मोहल्ले में दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को धारदार हथियार से बुरी तरह जख्मी कर दिया और उसके परिजनों के साथ जमकर मारपीट भी की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चित्रकूट कामतगिरी परिक्रमा मार्ग में महल मंदिर के पास पुराने कुएं में तीर्थयात्री ने आत्महत्या के इरादे से छलांग लगा दी। पास में ही मौजूद मंदिर के महंत ने तुरंत मेले में ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों को इसकी सूचना दी। हमीरपुर में वर्चस्व की जंग में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, कुल्हाड़ी चली। दोनों पक्षों की ओर से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। महोबा के कोलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के अंडवारा गांव में जमीन के विवाद के चलते एक शख्स ने अपने भतीजे की लाठी डंडों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहराइच में दीपोत्सव के दौरान लगी भीषण आग। दिए की रोशनी से लगी आग से 2 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से दीपावली की खुशियां कोहराम में बदल गई। आग लगने से घर का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। खैरी घाट इलाके के एक घर की घटना। बलरामपुर में हनुमानगढ़ी मंदिर पर हनुमान जयंती के मौके पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा। गोंडा शहर के ऐतिहासिक मालवीय नगर सगरा तालाब के पास स्थित ऐतिहासिक गोवर्धन पर्वत की पूजा हर वर्ष की भांति इस वर्ष राधा कृष्ण मंदिर के महंत दुर्गादास ने हवन विधि विधान से पूजन किया। श्रावस्ती में दिए की वजह से घर में आग लग गई। दिए से 3 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। घर के बाहर लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटे बाद आग पर काबू पाया, लेकिन सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। अंबेडकर नगर में गणेश विसर्जन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। विसर्जन करने जा रहे लोगों को DJ बजाने से दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक दिया। वहीं अराजकता फैलाने के लिए एक युवक को पीटा। युवक की पिटाई से तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले को लेकर घंटों विवाद चला। यातायात माह नवंबर 2020 के 10वें दिवस यातायात पुलिस जनपद अमेठी द्वारा यातायात जागरूकता मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आम जनता को यातायात के नियम पालन करने और मिशन शक्ति के अंतर्गत थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क और शिकायत पेटिका को लेकर जानकारी दी गई। बाराबंकी जिले में शॉर्ट सर्किट से ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी पुआल में आग लग गई। आग को देख ट्रैक्टर ट्रॉली से पुआल को तत्काल नीचे रोड पर स्थानीय लोगों ने गिराया।
बीच रोड पर पुआल में आग लगने के कारण रास्ता भी जाम हुआ। अयोध्या में राम जन्मभूमि में सदियों के बाद यह पहला मौका है जब बिना किसी प्रतिबंध के रामलला को राम जन्मभूमि परिसर में ही लगाए गए 56 भोग। इस बार का अन्नकूट महोत्सव इसलिए और खास रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस बार भव्य तरीके से रामलला को राम जन्मभूमि परिसर में ही 56 भोग लगाए गए और प्रसाद को सभी में बांटा गया। वाराणसी में 20 सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में महिलाओं के बीच जमकर लाठी डंडों से सरेआम मारपीट की जा रही है। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। मामले के बाद दोनों पक्षों की ओर से तहरीर की गई। देवरिया में कोरोना के केस में कमी देखने को मिली है, वहीं जिले में अब तक कोरोना के 178 एक्टिव केस हैं। देवरिया में 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गोरखपुर ईंट भट्टे पर लूट और महिलाओं और किशोरियों के साथ 5 दिन पहले हुई घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 11 की संख्या में डकैत रेकी करने के बाद घटना को अंजाम देते रहे। पुलिस ने इस घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच और गगहा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुशीनगर पुलिस चौकी के सामने दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। ब्रेजा सवार स्कॉर्पियो में बैठे लोगों पर फायरिंग करके फरार हो गए। कैसा की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो का पीछा कर कुछ बाइक और दूसरी कार सवार लोगों ने इस घटना को घेर कर अंजाम दिया। कोरोना संकट में फूलों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। महामारी के करीब 8 महीने बाद भी बाजार में सन्नाटा फैला हुआ है। महाराजगंज जिले के दुर्गा मंदिर पर लगे फूल व्यवसायी चिंतित हैं। जालौन में जुए की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस से ग्रामीणों की झड़प हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की 112 गाड़ी पर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस और ग्रामीणों की झड़प में एक सिपाही घायल हो गया। उपद्रव की सूचना मिलते ही मौके पर 6 थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जाम खुलवाया। झांसी में सिपरी बाजार के चौकी चमनगंज क्षेत्र अंतर्गत पुलिस बल के साथ पैदल गश्त कर रहे पुलिस उपाधीक्षक इमरान अहमद द्वारा मानवता की मिसाल पेश की गई। पुलिस उपाधीक्षक इमरान अहमद ने बुजुर्ग महिला से सभी दियों की कीमत पूछी और उन्हें खरीद लिया। बुजुर्ग महिला के चेहरे पर खुशी छा गई और दुआएं देते हुए झांसी पुलिस की उसने तारीफ की। ललितपुर में बुंदेलखंड की लोक परंपराओं में शुमार मोनी नृत्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा बच्चा इस नृत्य को जानता है। बुंदेलखंड में होने वाला मोनी नृत्य कृष्ण भगवान की भक्ति से जुड़ा है। औरैया में इस समय बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। परेशान हो रहे आतिशबाजी अधिक चलने के कारण लोग बेहाल हैं। सभी जिलों में पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया है। औरैया के लोगों का कहना है कि यहाँ भी पटाखे प्रतिबंधित होने चाहिए थे। दीपावली के मौसम में पटाखों के कारण वायु प्रदूषण 6 से 10 गुना तक बढ़ जाता है। त्योहारों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर ने जुआ और सट्टा के खिलाफ निर्देश जारी किया और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा और क्षेत्र अधिकारी भर्तना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर प्रयागराज में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। रास्ते में पेड़ लगाने को लेकर आपस में दो पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष ने थाने पर की दूसरे पक्ष की शिकायत। बीजेपी से जुड़े लालजी पटेल पर दबंगई का आरोप लगा। फरुखाबाद में केंद्रीय कारागार में कुल 2022 कैदी बंद है। इनमें से लगभग 915 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। 2 कैदियों की मौत भी हो चुकी है। रोजाना जेल में बंदियों को कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। ज्यादातर मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कन्नौज में दबंग युवक का असलाह लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में दूसरे पक्ष को युवक ने धमकाया। छत पर खड़े होकर बंदूक और तमंचे को लहराता भी रहा। तिरवा कोतवाली इलाके के वनपुरा गांव का सारा मामला। जौनपुर सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के बरैया काजी गांव में रविवार दोपहर भूमि जमीन और रास्ते के विवाद को लेकर पंचायत के दौरान विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक पक्ष पर फायरिंग करने के बाद दहशत फैल गई। छह वर्षीय कानपुर में बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घाटमपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांव के 2 लड़के चिप्स दिलाने के बहाने बच्ची को घर के बाहर से ले गए। दोनों ने बच्ची के साथ गलत काम करने का प्रयास किया। गिरफ्तार आरोपी पीड़ित एक ही बिरादरी के। हरदोई में प्रसूता की मौत से नाराज परिजनों ने शहर कोतवाली क्षेत्र में सांडी रोड पर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने जाम लगा दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने लगे।
आजमगढ़ में बालू लदे खड़े ट्रक में देर रात आग लग गई। ट्रक का अगला हिस्सा जलकर राख हो गया। रेतवा चंद्रभानपुर गांव के समीप फोरलेन पर ट्रक खड़ा था। संदिग्ध परिस्थितियों में देर रात ट्रक में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर अग्निशमन दल पहुंचा और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लखीमपुर खीरी के थाना सिंघाई इलाके में सिंघा कला के व्यापारी राम सनेही गुप्ता ने पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ के जमघट में शहर के मैदानों और छतों पर उड़ने वाली पतंगें अब कम नजर आ रही हैं। रायबरेली में मशीनरी की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सीतापुर के रेउसा में खेत के किराए के ट्रैक्टर से जुताई कर रहे किसान सुशील कुमार रोटोवेटर में फंस कर उनकी अफसोसनाक मौत हो गई। उन्नाव में नशेबाजी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। बागपत में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। दो व्यक्ति और एक बच्चा हर्ष फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बुलंदशहर में एक दुकान में अचानक आग लग गई। देखते देखते दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में चोरों का आतंक जारी है। दीपावली की बीती रात जमशेदपुर गांव में चार चोर चोरी करने के लिए घुसे और ग्रामीणों ने उन्हें उसके साथ पकड़ लिया। यूपी में आजकल लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग करना आम बात हो गई है। एक और वीडियो दिवाली के मौके पर गाजियाबाद का वायरल हो रहा है। गाजीपुर में लौरा काशी पैलेस में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री किशोरी लाल ने कहा कि उनका जीवन स्वदेशी के प्रति समर्पित था। मेरठ में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गोपाल काली ने अपने घर के बाहर हवाई फायरिंग कर दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मुगलसराय कोतवाली इलाके के सहजौर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार बीती रात विवाहिता के ससुराल के लोगों से कहासुनी हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के मूल मंत्र वोकल फॉर लोकल की तर्ज पर विदेशों में उत्पादित होने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती कर जिले के किसानों ने आत्मनिर्भर बनने की अनूठी मिसाल पेश की है। सोनभद्र में प्रदूषण की स्थिति बहुत दयनीय है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास तक पहुंच गया। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके के सैनिक कॉलोनी में दीपावली की रात सीढ़ी लगाकर घर में घुसे हथियारबंद बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में बड़ा हादसा होते होते चल गया। दीवार तोड़कर घुसी टोल प्लाजा के कार्यालय परिसर में बस घुस गई। रामपुर में दिवाली की शाम नाबालिग पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। घटना अजीम नगर थाना क्षेत्र के हटेरा गांव की बताई जा रही है। शहर में कचरे के ढेर में लगाई जा रही आग। संभल में प्रदूषित हवा के बीच किसी ने कूड़े में आग लगा दी जिससे बाजार के बीच धू करके कूड़ा जलता रहा। मुजफ्फरनगर के शहर के आबकारी मोहल्ले की छात्रा पूजा शर्मा के जज बनने पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। सहारनपुर के कोतवाली क्षेत्र के गांव कलसिया में रात करीब 1 बजे आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने गांव के सचिन पुत्र ओमपाल शर्मा के घर में डाका डाल दिया। शामली में झिंझाना थाना क्षेत्र में डीजे बजाने का विरोध करने पर युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और आखिरकार 28 वर्षों के बाद पाकिस्तान से आए शमसुद्दीन अपने गृह निवास कानपुर के कंघी मोहाल आए। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शमसुद्दीन को परिजनों से मिलाया गया।